कि अगर किसी को ज़हनी कोई मसाइल हैं तो हमने साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर या साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। वो जो घर में बैठे हमें स्ट्रेस है, तनाव है, उससे हम घर बैठे कैसे कॉप कर सकते हैं कि आया आपको स्ट्रेस है या डिप्रेशन। देखिए, ये जिस कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साथ, सबसे पहली चीज़ चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, अपने आप को नेचर से कनेक्ट करना, एक्टिवेट करना, उनको जो उनकी वेन्स की ब्लॉकेज को खोलना, जो रोशनियों का वजूद है इसको कुदरत से सिर्फ कनेक्शन करने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मुआफ़िया मलिक है और आप लोग जानते हैं हम आप लोगों के साथ लेकर आते हैं साइकोलॉजी की वो सीरीज़ जिसमें आप कुछ ना कुछ सीख सकें। और स्पेशली मेरी कोशिश होती है आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं जो आपको ना सिर्फ फिज़िकली बल्कि मेंटली भी रिलैक्स कर सके, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, स्पेशली मैं कोट करूँगी ख़वातीन को, बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो नॉन वर्किंग है, जो घर में रह के अपने घर को पूरा मैनेज करने की बेतहाशा कोशिश करती हैं, लेकिन उसके बावजूद उस एडजस्ट करने में, उस मैनेजमेंट में वो अपने आप को भूल जाती हैं, अपनी ज़ात को भूल जाती हैं। तो क्यों हम अपने आप को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते, सारा दिन काम करते रहते हैं और रात को हम थक जाते हैं और अपने लिए हमारे लिए पास एक सेकंड का जो है वो टाइम नहीं है। तो हमें यहाँ पे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेल्फ हेल्प मैनेजमेंट क्या है, हम अपनी ज़हनी हालत को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। ऑब्वियसली आपकी ज़हनी हालत अच्छी होगी तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के और स्पेशली अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर कर सकते हैं, चाहे वो माँ और बच्चे का रिश्ता है, शौहर और बीवी का रिश्ता है या किसी भी किस्म का रिश्ता है, तो उस रिश्ते को आप बेहतर बना सके हैं। इसी चीज़ पर आज हम बात करेंगे कि सेल्फ हेल्प मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, योगा, मेडिटेशन या रेकी के थ्रू किस तरह से हम अपने आप को इतना बेहतर बना सकते हैं। ऑब्वियसली स्ट्रेस सबको है, ज़हनी दबाव मुझे भी है और आपको भी है, अब हमने उस ज़हनी दबाव को निकालना कैसे है, एक अच्छे तरीके से अपने जिस्म की वेंटिलेशन किस तरह से करनी है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, मैं आप लोगों की मुलाकात करवाती हूँ और उनसे बहुत अच्छी टिप्स और स्ट्रेटजीज भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमारे साथ मिस रूबी मौजूद हैं जो कि लाइफ कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और रेकी मास्टर हैं, उसके साथ साथ योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। तो हम इनकी सर्विसेज आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप घर बैठे हुए अपने आप को इस काबिल कर सकें कि अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकें। तो बात करते हैं मिस से। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, माफी, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मैं चाहूँगी कि आज का ये जो हमारा सेशन है, इस सेशन में मैं हमारी ख़वातीन तक और जो हम लोगों को सुन रहे हैं उन सब के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस शेयर करूँ कि उनकी लाइफ में ना एक नया एडिशन ऐड हो जाए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थैंक यू ज़रूर अदा करूँगी। देखिए, किसी भी ऐसी जगह पर जाना जहाँ से आपका पैगाम, जहाँ आपको पता हो कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं जहाँ पर लोग आप बेहतरी, खैर और अच्छाई के लिए बाइस बनेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों का थैंक यू। आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया कि मैं आम लोगों तक अपनी, हम लोग उस चीज़ को रसाई हासिल कर सकें। देखिए, जब आपने बात की मेंटल हेल्थ की, हम लोग अपने फिजिकल हेल्थ पे तो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, फेशियल, टचमश, ईच एंड एवरीथिंग। आप कह लेंगे जरा सा हमें कुछ हो तो हम डॉक्टर्स पे भी जाते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ को हम लोगों के जब हम लिख लेते हैं तो हमारे दिल में फौरन किसी ने कह दिया कि हम कहेंगे यार हम क्या पागल हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, ये इसने, हालांकि हमें ये पता ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ हमारी फिजिक पे, हमारी बॉडी पे, हमारी हर चीज़ पे कितनी इफेक्ट करती है। बिल्कुल, स्ट्रेस की बात करें तो आज के दौर में कौन सा ऐसा इंसान है जिसको स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस भी देखिए पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिवली ये है कि आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हैं, आप उसके लिए एंथुजियाज़म है कि नहीं यार आई हैव टू डू इट, या कोई आपको एक टारगेट मिला आपने अचीव करना है। लेकिन जब आपने उस चीज़ को अचीव कर लिया, स्ट्रेस असम ये एक पॉजिटिव, लेकिन वो चीज़ अगर आप अपने आप पे तारी कर लें, ठीक है। हम लोग ख़वातीन बात हम लोग करते हैं आम देखें, जो आप भी एक सोशल हैं, मैं भी, हम लोग को तो चलें कथॉर्स, हमारे पास कथॉर्सिस के लिए चैनल्स हैं, हम लोग बहुत से सोर्स ऑफ कथार्सिस हमारे पास के हमारे पास, लेकिन जो आम घर में बैठी ख्वातीन है, सबसे पहले उनके लिए मैं हमेशा उनको फोकस करके बात करती हूँ, क्योंकि बाहर में जो लोग वर्किंग लेडीज़ हैं उनको तो पता है, आपको पता है, नॉलेज भी है। आम लोग जो आम ख्वातीन हैं वो अपने आप को डिस्क्राइब ही नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, सबसे पहले देखें कोई भी इंसान है ना, उसमें खुश शनासी का अमल जो है ना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपकी बात इंटरप्ट करूँगी। हम लोग समझते हैं कि हमने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर दी, मैंने एक बहू का रोल प्ले कर दिया, एक बीवी का, एक माँ का,
मैं दैट्स इट, ये मेरी लाइफ है, उसमें हम जो अपनी सेल्फ है ना उस सेल्फ को भूल गए हैं कि मेरा सेल्फ क्या है। देखिए उसमें आप इस इंतजार में क्यों रहते हैं कि कोई आपको बताए। यस, सबसे पहली बात मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कुदरत ने आपको अशरफुल मखलूकात कहे, खुद को अशरफ ऑन करें। यस बिल्कुल, खुद को सुपीरियर, सुपीरियर इस सेंस में नहीं कि आप तकब्बुर, नहीं, इस सेंस में कि कुदरत ने मुझे, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे जैसे बड़े होंगे, मैं एक ही हूँ। Yes. तो मैं अपनी अल्लाह की, वो हिज़ा क्रिएटर, हिज़ा पेंटर, उसने अपनी हर पेंटिंग को बड़ा खूबसूरत बनाया। तो सबसे पहले खुद को एडमायर करना सीखे। हम वो प्रॉप नहीं करते, देखिए एडमायर करना ये नहीं है कि अल्लाह ने आपको रंग कैसा, अल्लाह ने हर शाहकार, वो कहते हैं कि मैं मुसव्विर हूँ और मुसव्विर का हर शाहकार बड़ा खूबसूरत। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। असल अब ये चीज़ है कि हमने ये भी देखें, ये भी एक उसकी बददयानती में है कि उसने आपको, हम अमानत है ना उसकी, उसकी तरफ लौट के जाना है। अगर अपना ख्याल नहीं करते हैं तो ये बददयानती। अब ख्याल करने में अगर आज हमने बात कर रहे थे, हम ख्वातीन पे अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, मेंटल हेल्थ को देखें। जब आपको फील हो रहा है कि आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, एनजाइटी, तीन हमारे यहाँ बड़ी ये कॉमन चीज़ है, मैं बड़ी इसको सिंपल से इसमें बता देती हूँ कि डिप्रेशन वो है जो आप हर वक्त माजी की सैडनेस को, उसके जो आप अचीव नहीं कर पाए, जो आप नहीं कर पाए, आप हर वक्त उस चीज़ में अपने आप को तारी रख लें। एनजाइटी क्या है, आपको आने वाला फ्यूचर हर वक्त परेशान करे, मैं ये क्या होगा कल, आने वाले वक्त में क्या। सबसे खुश कौन है, जो प्रेजेंट मोमेंट में जिंदा, जो आज में जिंदा है। अल्लाह के हम लोग कहते बहुत हैं, लेकिन जब देखें आप उसके फेल को, उसके तमाम अहकामात को मानना शुरू कर दें, उस पर मानना ये नहीं है कि हम मुंह से मानें या शुक्रगुजारी, अच्छा अल्लाह तेरा शुक्र, नहीं, अपने अमल में लाएं। और अमल में कब लाएंगे, जब इंसान के अंदर ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी आना शुरू हो जाए हर हाल में। बिल्कुल, क्योंकि ये याद रख लें कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो अगर आप चाहते हैं ना कि ज़िंदगी का छोटा सा फार्मूला, उसकी तकसीम में राज़ी रहना। बिल्कुल, अच्छा ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है, इसी से मैं चाहूँगी कि देखें बहुत सी ख़वातीन ऐसे हैं हमारे यहाँ, बहुत से लोगों में अभी तक अवेयरनेस नहीं है कि अगर किसी को ज़हनी कोई मसाइल हैं तो हमने साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर या साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ लेबल लग चुका हुआ है, अगर कोई इन तीनों में से किसी के पास जाएगा वो पागल है। ठीक है, ये हमने लेबल लगा दिया है। हेल्थ की अगर बात करें, एक या दो दिन हम बुखार होता है, हम घर में पैनाडोल वगैरह लेते हैं, नहीं होता, हम तीसरे चौथे दिन फौरन जाते हैं डॉक्टर के पास। बिल्कुल, तो लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ को भी इसी चीज की अशद जरूरत है कि आप डायग्नोज जरूर करें कि आया आपको स्ट्रेस है या डिप्रेशन। देखिए ये जिस कहते हैं जिसका काम उसी को साथ, यू शुड गो फॉर अ साइकेट्रिस्ट। इसको पता है कि आपको, अब हर बंदा जो है, हम लोग कहते हैं कि जी साइकोटिक उसमें ड्रग्स में खुद से लेने, और वो इस तरह से नहीं है। अब इन चीज़ों को हम लोग, जो मैं अपनी अगर लाइफ में बात करूँ, तो मैंने जैसे आपको बताया कि आई हैव डन NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो मैं खुद भी जो है एक, मैं नाम अगर मेंशन कर सकूँ तो बल्कि आपके प्लेटफॉर्म में डॉक्टर जावेद साहब। बिल्कुल, तो मैं खुद भी जो है ना 2002 में उनके पास एज अ पेशेंट वेरी फर्स्ट टाइम गई थी। मुझे इन चीज़ों में बहुत बाद में आई, और मुझे अच्छे से याद है कि मैं 2 या 3 सेशंस में मुझे बड़ा अपने आप में बड़ी बेटरमेंट फील। बिल्कुल, तो मुझे देन आई रियलाइज कि नहीं, ये चीज़ें आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। अब जो घर में खवातीन बैठी हुई ना, मुझे लगता है आज के दौर का उनको एक ही स्ट्रेस है। अब यही चीज़ ना, वही मैं यही कहना चाह रही हूँ कि बहुत सी जगह ऐसे वहाँ पे वो लोग नई सेशंस के लिए जा सकते हैं, तो हमारा प्रोग्राम ओबियसली नेशनली इंटरनेशनली सब देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि हम उन्हीं पॉइंट्स पे, वो जो घर में बैठे हमें स्ट्रेस है, तनाव है, उससे हम घर बैठे कैसे कॉप कर सकते हैं, कि जो आपकी स्किल्स हैं, मैं चाहूँगी उनमें से जो हमारी डेली रूटीन में हम ऐसी कुछ चीज़ें यूटिलाइज कर लें कि हम उस चीज़ से खुद को रिकवर करने की कोशिश कर सकें। मैं माफ़ी, वही आपको बात करूँगी। सबसे पहले जैसे हम लोगों ने बात की, चाहे रेकी हो जाए, चाहे योगा हो जाए, चाहे ऑरा हो जाए, ये सब जो है ये आपके पास हीलिंग, अल्लाह ताला ने आपको ये हीलिंग सोर्स दिए हैं। सबसे पहली चीज़, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, अपने आप को नेचर से कनेक्ट करना। क्योंकि देखें आप नेचर के एलिमेंट्स के जितने करीब रहेंगे, आप बाकी शर वाले एलिमेंट्स से उतने दूर रहेंगे। इसकी छोटी सी मिसाल है, आप कभी बच्चों को देख लें, बच्चों के साथ आप उनके साथ एक लम्ब से आपको फौरन एक हीलिंग, खुद ब खुद आप हीलअप जो है ना वो स्टार्ट, आपकी हीलिंग हो जाती है, आप हीलअप होना शुरू हो जाते हैं। उसकी क्या वजह, क्योंकि नेचर है ना, अभी ऊपर वो कोटेड शील्ड्स नहीं आई, रैपिंग नहीं है। तो सबसे पहली ये चीज़ है कि अपने आप से, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि नेचर से कनेक्ट, आप एक बंद कमरे में बैठ जाए और
एक बाहर की रोशनी में आप जाएं तो आप खुद ब खुद फील करेंगे कि आप ऐसे ही खुश होना या आपका मूड जब बेहतर होना शुरू हो। सेकेंडली खवातीन की तरफ मेरा उसमें योगा में भी रेकी का भी मैंने आपको जैसे बताया, अब योगा क्या है, योगा लव्ज है योग से निकला, इसका मतलब है मिलाप, यूनिटी। अब वो किस चीज़ की है, आपकी स्पिरिचुअली, आपकी फिजिकली, आपकी मेंटली, इन तीनों चीज़ों को मैं अपने सादे लोग में बताती हूँ, इन तीनों चीज़ों के कनेक्शन को जो स्ट्रॉन्ग करता है दैट्स कॉल योगा। क्योंकि आप बाकी अब लोगों के जेहन में एक्सरसाइज कर लें, कुछ भी स्किनी हो जाए, हम एप्स बन जाइए, देखिए वो आपकी एक वो फिजिकल फिटनेस, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। योगा आपका मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि आप आम रूटीन में कुछ ऐसा आप नहीं करते जिसमें आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बिल्कुल, और हमारा ब्रेथ वर्क इतना स्ट्रांग है, वो आपको इतने ज़हनी मसाइल, मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि आप अपने ब्रेथ वर्क पे काम करना सही प्रॉपर करना शुरू कर दें तो आप 95% आप स्ट्रेस, एंजाइटी, मुख्तलिफ बीमारियों से आप खुद ब खुद जो है आप उसको जो है वो निजात। आई वुड लव टू लर्न कि आप हमें कुछ ऐसी योगा की ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस सजेस्ट करें जो हमारे ऑडियंस, हमारे बहुत से लोग सुन रहे हैं, वो अपनी डेली लाइफ में यूज करें ताकि वो अपने आप को बेहतर कर सके। आप उसके लिए सिंपल सा मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों को आज तक यही नहीं पता कि प्रॉपर ब्रीथ करना होता क्या है। आप कभी छोटे बच्चे को देखिएगा जब वो नेचुरल ब्रीथ कर रहा होता है, जब वो टॉक्सिक नहीं है, वो एक पेट को गुब्बारे की तरह जब हम ब्रीथ करते हैं पूरा पेट, आप सिंपल है कि अपने पेट पे हाथ रखें, लोग समझते सांस लेते हुए जो अंदर खींच लेते हैं सांस, इनहेल करते हुए, वो आपकी बीमारियों को आप अपनी उसमें जो है वो उसमें मुख्तलिफ, आप अपने आप को उसमें, आप हेल्दी उसमें नहीं जा रहे हो। जब ब्रीथ करें हमेशा नाक के जरिए करें, पेट को फुला के, और जब आपने एक्सहेल करना है जैसे काउंट कर लें, आप 3 करते हुए इनहेल करें, ठीक है, आप 12 तक उसको होल्ड करें, बिल्कुल 6 तक आप एक्सेल करें, ये आप डीप ब्रीथिंग, इसको डीप ब्रीथ कहते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या, इस आप प्रॉपर सिर्फ सांस की इस एक्सरसाइज को करना शुरू करते हैं, आप खुद ब खुद फील करेंगे कि आप ऐसे लाइट होना शुरू हो जाएंगे। क्यों, आपके प्रॉपर ऑर्गन्स को जब आपको ऑक्सीजन मिलेगी, प्रॉपरली ऑक्सीजन मिलेगी, कार्बन आप अपने अंदर से साफ कर रहे हो, तो देखिए खुद ब खुद आप पूरा सिस्टम। अच्छा, मैं चाहूंगी ये जो आपने अभी प्रोसेस बताया, इस प्रोसेस को ना एक पैटर्न में 2 से 3 दफा जो हमारे ऑडियंस साथ कर लें ताकि उनके लिए हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि जो सुन रहे हैं मैं चाहूंगी वो इसके साथ प्रैक्टिस करें ताकि उन्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बिल्कुल, ऐसे जैसे आपने नाक से आप इनहेल करें, ठीक है, और उसे होल्ड कितने सेकंड के लिए हम आपने 3 काउंट करते हुए इनहेल, ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा 10 to 12 आप काउंट करेंगे होल्ड, और ठीक है, ठीक है, करते हुए आप मतलब एकदम सांस से निकालना, आहिस्ता आहिस्ता निकालना है, 3, 12 and 6, ओके, सिंपल सेफ टेक्निक है, इनहेल करते हुए होल्ड आपने काउंट कर लें 12 और 6 सेकंड तक आपने एक्सहेल करना है, एक्सहेल करें, परफेक्ट, ठीक है, उसे आप खुद ब खुद फील करें। एक ये एक आपकी एक आ जाती है कपाल भाती, कपाल भाती हम लोग कहते हैं बड़ी छोटी सी, इसका मतलब है स्कल लाइट, यानी कि स्कल आपकी और लाइट, तो आप ये देख ले, ये आपकी ब्यूटी के लिए, आपके जिनको स्पेशली थायराइड का इशू है कोई भी, क्योंकि हम आम रूटीन में अपने लंग्स को 1/3 यूज करते हैं, यस, तो जब इसमें आप प्रॉपरली आप इस ये जो कपाल भाती मैं अब आपको दूसरी बताने लगी हूँ, इसको आप प्रॉपरली करना शुरू करेंगे तो आप खुद फील करेंगे आपकी ब्यूटी इनहेंस में, आप इंटरनली आपको उसमें आपने क्या करना है, पूरा आपने गुब्बारे की तरह आपने फुला दिया एकदम एकदम नाक से आप एक्सहेल करेंगे और अंदर एकदम आपने जैसे धकेल लिया, आप खुद ब खुद इसको ठीक, और मेरा ख्याल है ये बड़ी वर्क करती हैं और हेल्पफुल हैं अगर हम इन्हें प्रॉपरली प्रैक्टिस करें। देखिए आपकी जो जिंदगी का अमल है ना वो सारा दारोमदार है सांस। अच्छा रूपी, यहाँ पे एक और चीज कि मुझे ये बताएं कि आपने ये दोनों एक्सरसाइजेस फॉर इंस्टेंस हमारे जो सुनने वाले हैं वो कर रहे हैं, कितने दिन के का एक पैटर्न होता है कि आपको उसका इफेक्ट फील होना शुरू होता है, क्योंकि हम ये सवाल पहले करते हैं आपको विद इन 6 to 7 days। ओके परफेक्ट, 6 to 7 days मेरे पास जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस फील्ड में बहुत काम कर लिया और मेरे जितने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ब्लेसिंग होती है जब आप एक नियत के साथ काम करते हो और लोग आपको एडमायर करते हैं, और मैंने इस चीज से मैंने खुद देखा है कि कितना आपको इवन नॉट स्ट्रेस या डिप्रेशन, आप अपनी कोई भी फिजिकल आपको प्रॉब्लम है जिसमें आपकी आर्थराइटिस है, जॉइंट्स का है, शर्ट का पेन है, आपको हाइपरटेंशन किसी भी तरह की, आप योगा में, क्योंकि ये आसनाज इसके जो है आप उसके
जरिए अपने आप को बहुत जल्दी क्योर कर सकते हैं। वेरी नाइस। अच्छा एक और चीज़, अभी हम बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले कि कुछ स्ट्रेस हमारे पॉइंट्स हैं जी, कि अगर आपने अपने आप को स्ट्रेस से रिलीज करना है तो वो कौन से प्रेशर पॉइंट्स हैं? मैं बताती हूँ। अच्छा ये इस चीज़ के लिए भी है कि हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि रेकी में हमारा होता है कि वो हम लोग उस चीज़ को बाद में डिस्कस करते हैं कि अगर आपका थ्रॉट चक्रा या आपने कहीं किसी से बात करनी है जाना है और आप अपनी बात को कन्वे करते हुए होता है ना अंदर एकदम घुटन हो जाता है, लॉक लग जाता है, समझ नहीं आ रही होती कि हम स्ट्रेस हो रही है कैसे मैनेज करें। बड़ा सिंपल साइक है, आपने इन पॉइंट्स को, फर्स्ट ये पॉइंट ये ठीक है, आप इस तरह से इनको जो है ना प्रेशराइज, आपने चाइनीज को देखा होगा वो कोई भी चीज़ किक करते हैं तो ये एक एनर्जी के लिए, ठीक है। सेकेंड ये एक ये आप ये नहीं कि आप आराम से इसको क्या होता है कि आप एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं एनर्जी बॉडी को जी, आप एक ये सेकेंडली ठीक है, ठीक है, आप आए के नीचे ठीक है, ठीक है ये ये ठीक है, आप अंडर आर्म्स पे और सबसे लास्ट अपने रूट चक्र पे, यस ओके। आप खुद ब खुद फील करेंगे कि आपको जो है ना कुछ फील होना चाहिए, टैप योर दीस पार्ट्स जिससे आप रिलैक्सेशन की तरफ जाते हो। आप इवन इसमें माफिया सम टाइम आप बैठे हुए आप एकदम अपने आप को, आपको लग रहा है कि यार आप डाउन हो रहे हो, आप कुछ नहीं करो हाथों को रब करना शुरू कर दो तेजी से। कुदरत ने आपके हाथों में तमाम एनर्जी पॉइंट्स के प्रेशर पॉइंट्स, आप देखें कि चाइनीज आप आज भी अगर चले जाएं, देखिए बेसिकली इल्म तो हम लोग हमें अपने इल्म की तब कदर आती है जब दूसरे उसको यूज़ करना शुरू करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें तब पता चलता है कि मराकबा की अहमियत क्या थी, जब हमें मेडिटेशन का लफ्ज़ आता है फिर हमें पता चलता है ये तो हमारे अबाउस्ताद, ये तो हमारी मिरास थी। बिल्कुल हमें चक्रास का तब पता चलता है कि ये तो संस्कृत में चक्रास है, जब हमारे पास तो लताइफ का लफ्ज़ एक मौजूद था। आज हमें बताया जा रहा है कि हर चीज़ में एनर्जी मौजूद है। देखिए लोग कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़, अब रेकी की तरफ अगर हम लोग आए तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। कुदरत ने हमें पॉजिटिव एनर्जी दी, बिल्कुल ऐसे ही कुदरत हमें शर नहीं दे सकती, यस खैर ही खैर। वी हैव टू यूटिलाइज दीस थिंग्स ताकि हम अपने आप को रिलैक्स करें। देखिए हम कभी इन चीज़ों को फील करें कि अगर आप अपने आप को हम लोग फोकस करें तो हमें ऑरा क्या चीज़ है। मैं अक्सर स्पॉन्सर पर बात करती हूँ कि ऑरा हम लोग देखें कुदरत ने हमारे अंदर में बड़े शॉर्ट के वो जो आम बंदे को भी समझ आ सके कि रेकी है क्या। हम यूनिवर्सल में एक एनर्जी हर चीज़ में मौजूद है, हम यूनिवर्सल एनर्जीज को लेके हम जो भी बंदा जिसका ऑरा हमें लगता है कि फील आई उस चीज़ में डेफिशिएंसी आई उसके इस चक्रा में या एनर्जी पॉइंट्स में उसमें या उसमें उस चैनल्स को एक्टिवेट करना, उनको जो उनकी वेन्स की ब्लॉकेज को खोलना, उनके सारी एनर्जी फ्लो को बैलेंस करना रेकी हीलर का काम होता है, रेकी मास्टर का, कि उसको लेके उसमें जब हम लोग उसका फ्लो को बैलेंस करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों में नेगेटिविटी निकलना शुरू हो जाती है, पॉजिटिविटी ही ना इनहेल करते हैं। जैसे हमने अभी ब्रेथ वर्क पे हम लोग काम कर रहे हैं तो आप एक छोटी सी मेडिटेशन में भी आती है कि आप बैठ जाएं और फील कर लें कि देखें ये तो हमें पता है कि अल्लाह खुद कुरान में कहते हैं कि रूह रब का अमर है, बिल्कुल अल्लाह का हुक्म है, तो आप जब इर्द गिर्द जो रोशनियों का हाल है, जो रोशनियों का वजूद है, इसको कुदरत से सिर्फ कनेक्शन करने की ज़रूरत है, कनेक्ट करें अपना कनेक्शन प्रॉपर करें, आप फील करें कि एक पॉजिटिव एनर्जी, आप जब सांस इनहेल कर रहे हैं तो पॉजिटिव एनर्जी एक नूर आपकी जिस्म में दाखिल हो रहा है, अपने आप को उस वक्त जो है ना मटीरियल जो है ना ये बॉडी से बाहर कर रहे हैं, फील करें कि आप नूर नूर से मिल रहे हैं और नेगेटिविटी अपने अंदर से आपके भाग रही है, बिल्कुल आप खुद ब खुद इस चीज़ों की और मेरा ख्याल है ये जो आपने टिप्स बताई हैं, स्ट्रेटजीज बताई हैं, अगर हम इसे फॉर अ वीक ही करके देख लें तो इट विल हेल्प अस ताकि हम अपने मेंटली और फिजिकली दोनों मसाइल से निकल सकते हैं। देखें जो घर में खवातीन बैठी हुई हैं आज के दौर में, मैं कहती हूँ कि चंद एक चीज़ें अगर आप अपने आप को खुद को ही फोकस करना शुरू कर दें तो आप अपने लिए खुद डॉक्टर हैं, आप अपने डॉक्टर खुद हैं, कुदरत ने आपकी हर बीमारी को अगर दिया तो आपका इलाज भी आपके पास है। आप चंद चीज़ों में, आप घर में आज के दौर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हर इंसान की वो है मनी, बिल्कुल लाइफ मैनेजमेंट के लिए आम जो खवातीन घर में बैठी हुई उन्हें समझ नहीं आ रही होती हम इन चीज़ों को किस तरह से अपने जो है वो इनकम, बहुत सी फैमिलीज हैं जहाँ पे फीमेल्स को देखें, हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए लेकिन हर एक घर की अपनी वैल्यूज है, अपनी बहुत सी खवातीन को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है सोशली, तो उसके लिए मैं बड़ा कहती हूँ कि बेटे आप लोग घरों में बैठ के आप रेकी एक आप सीख सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन की भी ज़रूरत नहीं है,
एक देखिए ना, आप हो गई, मैं हो गई, हम लोग चले जी अपने आप को, हम लोग कहते हैं जी हम लोगों ने एजुकेशन ली, बाद में इस फील्ड में ऐसा कुछ, लेकिन वो लोग जो इतने नहीं, तो आप इसको योगा सीख सकते हैं, आप रेकी को घर में बैठ के खवातीन सीख सकती हैं, और आप बाहर की दुनिया में जाए बगैर घर बैठ के अपने लिए इनकम सोर्स, आप अपने आप को वो मत देखें, वक्त ये हालात ने नहीं बदलना, आपने खुद को खुद बताया। एग्जैक्टली, और दिस इज़ द क्रक्स ऑफ आवर टुडेज सेशन कि हम अपने आप को किस तरह से करते हैं, और उसमें वही क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, हम चाहते हैं बहुत ज़्यादा और अच्छी अच्छी बातें हम अपने पब्लिक के साथ। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें आपने बताई हैं, मेरा ख्याल है सबसे पहले हम अपना सेल्फ हेल्प मैनुअल सेट करें, उसके बाद हम दूसरों तक अपने ये इन जो चीज़ें हैं उनको फैसिलिटेट करें। देखिए, अंदर ना पूरी एक दुनिया आबाद है, वो जो है ना वो मौलाना रूमी वाली बात है कि बाहर के म्यूजिक की बजाय आपकी तो अपने अंदर बड़ा खूबसूरत म्यूजिक है। अपने आप को अंदर से बैलेंसिंग करेंगे तो आपके रिश्तों में भी मैनेजमेंट आएगी, और सबसे बड़ी बात है ब्यूटी जो हर औरत जो है उसमें, तो अगर आप तो हमारा बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस सेशन विद यू, और मेरा ख्याल है मैं खुद भी पर्सनली इन चीजों को ऑप्ट करूंगी, और मैं सजेस्ट करूंगी आप सब लोगों को कि आप लाजमी इन स्ट्रेटेजीज को यूटिलाइज करें, इससे ना सिर्फ आपके इर्द गिर्द का माहौल इतना पॉजिटिव होता है कि यू विल लव दैट, आप कोई भी काम करें आपको बहुत मजा आता है और आप खुश रहते हैं, क्योंकि हम वो सारा दिन फील करके लिथार्जिक हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है ये सबसे बेहतरीन अच्छे लर्नर बने और फिर अर्नर बने। एग्जैक्टली, देन आप जब खुद सीखेंगे फिर आप दूसरों को सिखाएंगे, वो सिखाने से आप मनी मेकिंग स्किल को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यही हमारे आज के सेशन का मैसेज भी है कि अपनी जात को सुधारें और फिर दूसरों को भी हेल्प आउट करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम, आपका भी और आप सब लोगों का भी, कि हम कोशिश अपनी यही करते हैं कि आप तक आपकी ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी सेहत के बारे में भी कुछ ना कुछ ऐसी मालूमात पहुंचा सकें जो घर बैठे आपकी हेल्प कर सके। तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।